हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल क्लाउड। आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोगों को अमेज़न वेब सर्विसेज यानी कि AWS की जितनी भी सर्विसेज हमें फ्री में अवेलेबल हैं उनको कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें AWS के कंसोल पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट करने के लिए हमें करना क्या है, हमें गूगल पे लिखना है साइन इन टू AWS। मुझे गूगल पे लिखना पड़ेगा साइन इन AWS। उसके बाद मुझे एक लिंक मिलेगा www.amazon.com marketplace management साइन इन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा एक पेज ओपन होगा जो हमें साइन इन पेज पे लेकर के जाएगा AWS के। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट का ऑप्शन आएगा, हमें इस अकाउंट पे क्लिक करना है। ये एक लैंडिंग पेज पे ले जाएगा जहाँ पे ये आपसे कहेगा कि अब आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड आपका AWS अकाउंट नेम। तो आपको ये सारी एंट्रीज फिल करनी है। मैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल रहा हूँ, टेक्निकल क्लाउड 1996@gmail.com। पासवर्ड आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। एंड उसके बाद हमें एंटर करना है अपना AWS अकाउंट नेम। याद रखिएगा ये AWS अकाउंट नेम आपका यूनिक होना चाहिए, कोई भी दो यूजर्स का AWS अकाउंट नेम सेम नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपका अकाउंट नेम यूनिक रहे। नाउ अब ये हमें किस पेज पे लेकर के आया है, ये हमें हमारे अकाउंट को अभी हमें और सेटअप करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप ज्यादा दिक्कत, अगर आप ज्यादा दिक्कत नहीं चाहते हैं तो एंड कंटिन्यू। हमने अपना क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू किया। यहाँ पे ये क्या कहेगा, ये आपसे कार्ड डिटेल्स मांगेगा और इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये केवल ₹2 चार्ज करेंगे आपसे, जो भी अकाउंट में आपके वापस आ जाएगा। क्या करना है, हमें इस कार्ड में अपनी एंट्रीज डालनी है, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है। नाउ जैसे ही हम अपना जो पेमेंट हमारा होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद ये हमें एक और लैंडिंग पेज पे लेकर के जाएगा जहाँ पे हमें कहा जाएगा कि अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। यहाँ पे हमें अपना फोन नंबर डालना है। मेरे अकाउंट पे एक 4-डिजिट का कोड आएगा, 4-डिजिट वेरीफिकेशन कोड जो मेरे नंबर को वेरीफाई करेगा, और मैंने यहाँ पे अपना एंड कोड डाल दिया है, वेरीफाई कोड। जैसे ही मेरा कोड वेरीफाई होगा आप देखेंगे कि हमें बेसिक प्लान, फ्री प्लान पे एक्सेस करना है। हम लोग इस कोर्स में जो भी चीजें सीखेंगे वो जो हमें अमेज़न की तरफ से फ्री में अवेलेबल है, मैं उन्हीं सारी सर्विसेज को आपको यूज करना सिखाऊंगा विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इस पे फ्री पे क्लिक करेंगे तो AWS का जो बेसिक प्लान है जो फ्री है वो हमारे सेटअप के लिए यहाँ पे आ जाएगा। ये एक पेज पे लेकर के जाएगा, माई रोल इज, मुझे रोल पे सेलेक्ट करना है स्टूडेंट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन, जो भी आपको करना है वेबसाइट्स एंड वेब एप्स, मैंने कर दिया और मैंने कर दिया सबमिट। ये मुझे क्या करेगा, थैंक यू पे ले जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपना AWS मैनेजमेंट कंसोल खोलना है। मैनेजमेंट कंसोल खोलने के बाद ये हमें एक होम पेज पे लेकर के जाएगा जो कि होगा साइन इन का पेज, कि अब आपको क्या करना है, साइन इन करना है अपने AWS अकाउंट से। तो मैं यहाँ पे अपना जो जिस अकाउंट से मैंने आईडी बनाई मैं वो डाल रहा हूँ, टेक्निकल क्लाउड 1996@gmail.com। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, हमारा साइन इन हो चुका है यहाँ पे AWS के अकाउंट पे। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपनी पहली सर्विस के बारे में जो है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट यानी कि IAM, जो हमें अपने सर्विसेज सेक्शन के अंदर सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के अंदर हमें पहली सर्विस मिलेगी IAM। तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम IAM में थोड़ा और जानेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो डू मेक श्योर डेट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो होना है और आप जितना ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे मैं उतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू गाइस।